सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ पौर्णमाशी और आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में. मैंने पिछले लेक्चर में राइबोसोम्स के बारे में थोड़ा पढ़ा लिया था. सब यूनिट राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स का, व्हाट आर द सब यूनिट दैट इज़ प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स. दो टाइप के सब यूनिट होते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में, तो मैंने वो वाला पढ़ाया था आधा, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस तो मैंने आधा छोड़ दिया था. तो आज मैं आपको पूरा कंप्लीट रिवीजन कराऊंगी राइबोसोम्स, अबाउट द राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज. ओके, सो राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, क्योंकि ये हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के बारे में पढ़ रहे थे. प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स. ओके, हमारा जो एनसीईआरटी में लिखा है राइबोसोम्स, ये हमारा क्या अटैच होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ राइबोसोम्स एसोसिएट होकर रहते हैं. ठीक है, दे आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच होकर रहते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिस्टम, उनके मेम्ब्रेन सिस्टम के साथ ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स अटैच होकर रहते हैं. ठीक है, दे आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिस्टम. ओके, ये खुले नहीं होते हैं, मीन्स ऐसे लाए फ्री ऐसे नहीं होते हैं, वो एसोसिएट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिस्टम के साथ. ठीक है, देन ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हमारा साइज होता है 15 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर तक. ठीक है, इनका साइज होता है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक, और वहाँ पर लिखा हुआ है बाय 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर तक. ठीक है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स. देन हमारा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है, दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम्स में, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स नहीं, राइबोसोम्स हमारा साइट होता है. राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम्स में हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, बनता है. ठीक है, सो राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, तो हमारा राइबोसोम्स में प्रोटीन बनता है. ठीक है, तो मैंने आपको सेंट्रल डॉग्मा में पढ़ाया था कि सेंट्रल डॉग्मा में हमने क्या पढ़ा था. सेंट्रल डॉग्मा में हमने पढ़ा था डीएनए से आरएनए बनता है, देन आरएनए से हमारा प्रोटीन बनता है. ठीक है, ये हमारा हमने सेंट्रल डॉग्मा में पढ़ा था. डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है. जब डीएनए से अगर फिर से डीएनए बन रहा है, पैरेंटल डीएनए से डॉटर डीएनए बन रहा है, तो उस प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन. इफ द पैरेंटल डीएनए इज फॉर्मिंग अ डॉटर डीएनए, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन, एंड द एंजाइम विच इज यूज्ड इन द रेप्लिकेशन इज द डीएनए पॉलीमरेज. ओके, देन जब डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो उस प्रोसेस को हम बोल रहे थे ट्रांसक्रिप्शन. ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डीएनए टू आरएनए, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. और यहाँ हमारा एंजाइम यूज हो रहा था आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए बन रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज हो रहा था. ठीक है, ये डीएनए से आरएनए हुआ ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, अगर क्या रिवर्स होगा, अगर आरएनए से डीएनए फॉर्म होगा, तो हम उसको बोलते थे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, हम उसको बोलते थे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. देन अगर आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, इफ आरएनए इज गेटिंग कन्वर्टेड टू प्रोटीन, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन. ठीक है, तो ये वाला ट्रांसलेशन बन रहा है. तो ये वाला जो आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, ये हमारा प्रोटीन कहाँ बन रहा है. मैंने आपको पढ़ाया कि राइबोसोम्स एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये हमारा आरएनए से प्रोटीन जो बन रहा है, ये हमारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, राइबोसोम्स में हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ क्या, प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये वाला प्रोसेस राइबोसोम्स में ही हो रहा है, क्योंकि राइबोसोम्स में प्रोटीन बन रहा है ना, प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है. तो इसीलिए, तो ये वाला मैं आपको थोड़ा हटा के उस, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. ओके, द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स इज मेड अप ऑफ टू सब यूनिट. ओके,
टू सब यूनिट क्या होता है, ये हमारा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स मेड अप ऑफ टू सब यूनिट, दो सब यूनिट से बनता है। कौन कौन सा सब यूनिट होता है, मेड अप ऑफ टू सब यूनिट, ओके, दो सब यूनिट से बना होता है। हाँ, तो हमारा यह प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स का, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स इज मेड अप ऑफ टू सब यूनिट, ओके। तो फर्स्ट सब यूनिट हमारा होता है 50S का सब यूनिट होता है, देन होता है 30S का सब यूनिट, ओके। तो 50S एंड 30S ये दोनों मिलकर हमारा बनाते हैं 70S सब यूनिट, ठीक है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स दे आर मेड अप ऑफ टू सब यूनिट, दैट इज 50S एंड 30S, एंड दिस 50S एंड 30S दे टुगेदर फॉर्म अ 70S सब यूनिट, विच इज द 70S सब यूनिट इज ऑफ द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। 70S सब यूनिट हमारा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स का क्या सब यूनिट होता है। अगर हम 50S 30S को मिला दें तो ये हमारा 70S राइबोसोम्स होता है, ये हमारा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है, ठीक है। तो ये वाला आपको एस पता होगा, इट्स वेरी इजी कॉमन, ओके, ठीक है। आप अगर 11th क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको एस क्या है पता होगा, ठीक है। तो एस हमारा होता है सिडबर्ग यूनिट, ओके, सिडबर्ग यूनिट आप बोल सकते हो, इट इज द सिडबर्ग यूनिट और इट इज द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ओके। यह हमारा सिडबर्ग यूनिट होता है और इसको हम बोल सकते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ओके, ठीक है। तो ये वाला क्लियर हो गया, हमारा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स दो सब यूनिट से बना हुआ होता है, एक 50S और एक 30S, ठीक है। तो अगर 50S 30S को हम मिला लें, दे टुगेदर फॉर्म दिस 50S सब यूनिट एंड 30S सब यूनिट, दे टुगेदर फॉर्म अ 70S सब यूनिट, ओके। तो ये 70S सब यूनिट बन गया। तो ये वाला एस क्या होता है, एस होता है हमारा सिडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ओके, क्लियर। हाँ, देन हम पढ़ेंगे, देन हम देखें, तो अगर हम एक सेल में क्या, एक सेल में तो एक राइबोसोम नहीं होंगे ना, सेवरल राइबोसोम्स होंगे एक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल्स हो, एक एक सेल में बहुत सारे राइबोसोम्स होंगे। तो अगर हम ये बोले कि सेवरल राइबोसोम्स, अगर बहुत सारे राइबोसोम्स को हम एक ही सिंगल mRNA के साथ अटैच कर ले, ठीक है। ये वाला मैंने प्लस लिख दिया है, ठीक है। तो ये वाला अटैच, ठीक है, मैं आपको सिंपल वे में बता रही हूँ। अगर सेवरल राइबोसोम्स अटैच्ड हुआ सिंगल mRNA, एक ही mRNA से अगर सेवरल राइबोसोम्स अटैच हो रहे हैं, ये mRNA क्या है, दिस इज मैसेंजर RNA। RNA हमारा टाइप्स का होता है, बहुत सारे RNA होते हैं, mRNA, tRNA, rRNA और भी बहुत सारे RNA होते हैं, ये आप सब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला बेसिक है, mRNA, rRNA, tRNA, ठीक है। तो अगर सेवरल राइबोसोम्स व्हेन अटैच टू अ सिंगल mRNA दे फॉर्म अ चेन, वो एक चेन फॉर्म करेंगे और उस चेन को हम बोलेंगे पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम, ठीक है। When several ribosomes attach to a single mRNA, they forms a chain. Okay, ये एक chain form करेंगे, forms a chain, and that chain is known as, उस chain को हम बोलेंगे polyribosome और polysome. उस chain को हम बोलेंगे polyribosome या polysome. ठीक है, अगर सेवरल राइबोसोम्स एक mRNA से क्या अटैच होता है, देन दे विल फॉर्म अ चेन, एंड दैट चेन इज नोन एज पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम, ओके, ठीक है। तो ये वाला गया। यहाँ हम पॉली का मतलब क्या है, पॉली का मतलब हम जानते हैं मैनी है, ठीक है, मल्टी भी मैनी हो सकता है, एंड ये पॉली थोड़ा एडवांस वर्ड है तो इसे हम मैनी बोलते हैं, ठीक है, मैनी। और ये वाला जो होता है राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम, पॉलीराइबोसोम मीन्स मैनी राइबोसोम, राइबोसोम प्रेजेंट, ठीक है। तो ये वाला पॉलीसोम भी वो, पॉलीराइबोसोम जो है पॉलीसोम भी वो है, ठीक है, सेवरल राइबोसोम्स, मेनी राइबोसोम्स, ओके, मेनी राइबोसोम्स प्रेजेंट। तो ये वाला मेनी राइबोसोम्स कहाँ से आया, यहाँ से आया, सेवरल राइबोसोम्स से, ठीक है, तो मेनी राइबोसोम्स। फिर NCERT में लिखा है कि अगर हमारा ये जो पॉलीराइबोसोम है और पॉलीसोम, इस पॉलीसोम में जो राइबोसोम है, द राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम दे ट्रांसलेट द mRNA टू प्रोटीन, में द राइबोसोम विच इज प्रेजेंट इन द पॉलीसोम दे ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन, ये mRNA को प्रोटीन से ट्रांसलेट करवा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ, यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है, दे आर ट्रांसलेटिंग mRNA इनटू प्रोटीन, ट्रांसलेट्स
mRNA, ये जो mRNA है ना, इसको प्रोटीन में ट्रांसलेट कर रहे हैं। कौन? जो राइबोसोम पॉलीजोम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये वाला सेवरल राइबोसोम्स व्हेन अटैच टू अ सिंगल mRNA, दे विल फॉर्म अ चेन एंड दैट चेन इज नोन एज पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम, एंड दैट द राइबोसोम विच इज प्रेजेंट इन द पॉलीजोम और द राइबोसोम ऑफ द पॉलीजोम दे ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो देन हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। राइबोसोम्स में क्या क्या हो गया? राइबोसोम्स हमारा क्या? राइबोसोम्स हमारा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, दे एसोसिएट होते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिस्टम के साथ एसोसिएट होकर रहते हैं और इनका साइज होता है क्या? 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर। ओके, देन राइबोसोम्स एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये वाला हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का साइट क्या? साइट होता है। देन हमारा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स दो सब यूनिट से बनता है, एक सब यूनिट होता है 50S एंड देन 30S। ठीक है, तो व्हेन 50S सब यूनिट एंड 30S सब यूनिट दे टुगेदर फॉर्म अ 70S सब यूनिट एंड दैट 70S सब यूनिट इज द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। ठीक है, देन हमने पढ़ा क्या? जब सेवरल राइबोसोम्स when several ribosomes attach to a single mRNA, they will form a chain and that chain is known as polyribosome or polysome. Okay, then the ribosome which is present in the polysome, they translate the mRNA into protein. Okay, clear? ये वाला prokaryotic ribosomes गया। Then हम पढ़ेंगे inclusion bodies के बारे में। Ribosomes complete हुआ, then हम पढ़ेंगे inclusion bodies के बारे में। Inclusion bodies prokaryotic organisms क्या क्या होता है? ठीक है, inclusion bodies, ठीक है, inclusion bodies, तो हम पढ़ेंगे inclusion bodies के बारे में। अब हम पढ़ेंगे inclusion bodies, what are the inclusion bodies? हम जैसे ह्यूमन बींग्स, हम जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमको जैसे खाना मिलता है, हमको जैसे भूख लगता है, हमको खाना मिलता है, हमारा खाना क्या होता है? फूड होता है, पिज्ज़ा होता है, बर्गर होता है। ठीक है, उसी तरह प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, उनको बैक्टीरिया को भी भूख लगता होगा। ठीक है, तो उसके लिए उनके पास क्या होता है? इंक्लूजन बॉडीज होता है। ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज क्या है? ये वाला होता है रिजर्व मटेरियल्स। Found in the cytoplasm. हमारे सेल में cytoplasm होता है, तो वही prokaryotic organisms के prokaryotic cells में जो cytoplasm होता है, उसी cytoplasm में ये reserve materials present होते हैं in the form of inclusion bodies. Okay? हमारा prokaryotic cells में जैसे हमको भूख लगता है, उसी तरह prokaryotic cells के उनको bacteria को भी भूख लगता है, इसलिए उनके पास उनके cytoplasm में reserve materials होते हैं in the form of inclusion bodies. Okay? तो ये वाला जैसे, हाँ, देन वो लिखा हुआ है कि जैसे हमारे राइबोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिस्टम के साथ एसोसिएट होकर रहते हैं, लेकिन इंक्लूजन बॉडीज दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। ये किसी भी मेम्ब्रेन सिस्टम के साथ बाउंड नहीं होते हैं, किसी भी मेम्ब्रेन सिस्टम के साथ बाउंड नहीं होकर रहते हैं। ये वाला दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, ऐसे ही खुले अपने साइटोप्लाज्म में खुले होकर रहते हैं। ठीक है, किसी भी मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट नहीं होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज होकर नहीं रहते हैं किसी भी मेम्ब्रेन सिस्टम के साथ। ठीक है, सो दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, तो इंक्लूजन बॉडीज लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो उनका इंक्लूजन बॉडीज का एग्जाम्पल क्या क्या होता है? जैसे हमारे खाने का नाम होता है क्या? राइस होता है, वीट होता है, और आप डिलीशियस खाना बोल लीजिए तो पिज्ज़ा हो गया, जो भी हो गया, तो हमारे खाने का नाम ये होता है, तो उनके खाने का नाम होता है क्या? सियानोफेशियन ग्रैन्यूल्स। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, देन होता है उनका फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। ठीक है, उनके खाने का नाम सब ये होता है, सियानोफेशियन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। ठीक है, तो ये वाला हो गया उनका। देन उनके पास गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होता है, गैस वैक्यूल्स आर ऑल्सो फाउंड इन द ब्लू ग्रीन
फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. ओके, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, ठीक है. तो हमारे इंक्लूजन बॉडीज क्या होते हैं? हमारे इंक्लूजन बॉडीज रिजर्व मटेरियल, हमारे नहीं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के इंक्लूजन बॉडीज. ओके, इंक्लूजन बॉडीज क्या होते हैं? दे आर द रिजर्व मटेरियल्स. ठीक है, दे आर द रिजर्व मटेरियल्स विच आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, देन क्या हो गया? देन उनका दे डू नॉट बाउंड टू एनी मेम्ब्रेन सिस्टम. वो राइबोसोम्स जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट होता है, लेकिन इंक्लूजन बॉडीज दे डू नॉट बाउंड टू एनी क्या मेम्ब्रेन सिस्टम. वो किसी भी मेम्ब्रेन सिस्टम के साथ बाउंड नहीं होकर रहते हैं. वो लाए फ्री इन द साइटोप्लाज्म, वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फ्री लाए करते हैं. ठीक है, तो उनका एग्जांपल हो गया इंक्लूजन बॉडीज का फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफेशियन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स. ठीक है, तो ये वाला गया. देन लिखा है गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन द, ठीक है, गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो किसी किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जैसे हमारा ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गया, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गया, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गया. ठीक है, गैस वैक्यूल्स, गैस वैक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होता है? दे आर फाउंड इन कहाँ कहाँ होता है? ब्लू ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन. क्या ब्लू ग्रीन पर्पल ग्रीन सब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं? ये सब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है. ठीक है, यहाँ पर ये सब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. तो गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन द ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. ओके, ठीक है. सो ये वाला हमारा आज गया राइबोसोम्स के बारे में क्या रिविजन एंड इंक्लूजन बॉडीज के बारे में रिविजन. तो कल से हम शुरू करेंगे क्या यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में. इसके बाद हमारा ये वाला सब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स का फिनिश हो गया. देन फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या होता है, ठीक है, और उनके उसके बाद ऑर्गेनल्स सब ऑर्गेनल्स जो सब प्रेजेंट होते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी पढ़ेंगे. देन हम पढ़ेंगे सब ऑर्गेनल्स के बारे में, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होता है, न्यूक्लियस होता है, गॉल्गी बॉडीज होता है, लाइसोसोम्स होता है, वो सब कैसे होते हैं और उनका सब फंक्शन क्या होता है सेल में, ये सब हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये सब बेसिक क्या बेसिक स्टडी है सब, ठीक है, बायोलॉजी का सेल के बारे में. ठीक है, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, सो थैंक यू एवरीवन.